दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के जो हमारी टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संख्याओं के साथ खेलना यानी एनसीईआरटी क्लासिक्स मैथ का जो तीसरा चैप्टर है उसी को आज हम लोग यहाँ पे उसी के बारे में चर्चा करने वाले, उसी को हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले। उससे पहले मैंने इसकी पहली प्रश्नावली यानी 3.1 कंप्लीट करा दिया था, आज हम लोग 3.2 के बारे में बखूबी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को हम कर देते हैं स्टार्ट। उससे पहले बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के मतलब कब से बोल रहे थे मैम लाइव आइए, तो आप लोग, मैं एक बात बता दूं, जल्द ही आप लोग की सभी क्लासेस लाइव होंगी। लाइव आने की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्लासेस भी आपकी लाइव होंगी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। मात्र एक हफ्ता और टाइम दीजिए हमें और फिर आपकी क्लासेस मैं डेली लाइव करूंगी। बस एक हफ्ते का और इंतजार है बस, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अभी इस क्लास को ले लेते हैं। एक हफ्ते तक तो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी, उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस होने लगेगी। तो अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा और साथ ही साथ हमारे इस लाइव क्लासेस को, हमारे वीडियोस को, हमारे ज्ञान को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर लीजिए। चलिए आइए चर्चा करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 पे। संख्याओं के साथ खेलना है बच्चों, मैंने कल ही बता दिया था। अभी तक तो हम लोग पड़ोस के बच्चों के साथ खेले, स्कूल के बच्चों के साथ खेले, दोस्तों के साथ अपने खेले, अब खेलेंगे संख्याओं के साथ। कल तो काफी ज्यादा खेल लिया था, आज थोड़ा सा और खेल लेते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। आपको बताना है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, तब बताइए जब दोनों संख्याएं विषम हो। मतलब आप दो विषम संख्याएं लीजिए और बताइए उसका योग सम होगा कि विषम होगा। अगर मैं दोनों विषम संख्याएं ले लूं, अगर मैं दोनों विषम संख्याएं ले लूं और उसका जोड़ूं, तो यहाँ देखिए 4 आ गया। और फिर कोई भी विषम, दो विषम संख्याएं ले लीजिए, यहाँ देखिए 8 आ गया। यहाँ मैं 11 और 13 ले लूँ तो यहाँ आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर मैं 18 + 24 ले लूँ, सॉरी विषम लेना था, क्या लेना है बच्चों, विषम, सम नहीं लेना। कोई भी आप दो विषम संख्याओं को जोड़िए तो क्या प्राप्त होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो किसी भी विषम संख्याओं पे जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो हमें एक सम संख्या होगी। क्या होगी वो हमें एक सम संख्या, मतलब किन्हीं दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमारी सम होगी। एक प्रकार से हम लिख सकते हैं ऑड प्लस ऑड इक्वल हम लिख सकते हैं इवन। क्या लिख सकते हैं, इवेन। मतलब अगर आप दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे तो प्राप्त संख्या हमारी सम हो जाएगी। और इसे मैं कह रहा है कि अगर आप दो सम संख्याओं को जोड़ लीजिए तो प्राप्त संख्या कैसी होगी हमारी, तो चलिए किसी भी दो सम संख्या को जोड़ लीजिए। अगर हम 2 + 4 को जोड़ लें तो पर भी यहाँ 6 आ जाएगा। अगर हम 2 + 8 को जोड़ लें तो यहाँ 10 आ जाएगा। और अगर हम 6 + 8 को जोड़ लें तो यहाँ 14 आ जाएगा। अगर हम 24 + 32 को जोड़ लें, किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ना है, चाहे वो जो हो, बस किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 56। आपने जोड़ा और आप पा क्या रहे हो बच्चों, कि हम जब किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ रहे थे तो प्राप्त संख्या भी हमारी सम हो रही थी। प्राप्त संख्या भी हमारी क्या हो रही थी, सम हो रही थी। तो पहली बात, कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सम किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं, आप कॉपी पेज पे अपने नोट कर लीजिए कि दो से पूर्ण रूप से विभाज्य होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। तो क्या लिखेंगे कि दो से पूर्ण रूप से विभाज्य होने वाली सम संख्या कहलाती है और दो से पूर्ण रूप से विभाज्य ना होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यानी अब इसके लिए जो आप लिख सकते हो कि इवेन प्लस इवेन इक्वल क्या हो जाएगा, इवेन प्लस इवेन को अगर आप जोड़ोगे फिर भी इक्वल पे इवेन ही आएगा, ठीक है। बता दिया इसको, तो मैंने खाली ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग लिख सकते हो समझदार हो समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि आपको सत्य और असत्य कथनों को बताना है, कि यहाँ पे कुछ कथन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे उसी में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, 3 विषम संख्या का योग सम होता है। हमें बताना है कि अगर मैं 3 विषम संख्याओं को जोड़ लूं तो क्या उसका जो उत्तर आएगा वो सम आएगा।
आई होप आपने ये बात को नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देती बात। आना क्या है बच्चों आप लोगों को कि तीन विषम संख्या को जोड़िए, चाहे जो विषम संख्या हो, अगर मैं तीन विषम संख्या को जोड़ लू, एक तीन पांच, एक तीन पांच, पांच तीन आठ एक नौ, हमसे कह रहा था कि तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, गलत, तीन विषम संख्याओं का योग सम नहीं होता, पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है, मतलब दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चों। तो आप अपने आंख से भली भांति से देख सकते हैं, मैंने दो विषम संख्या जोड़ी, एक सम संख्या जोड़ी और उसका योग वाकई में क्या आया, सम आया, यानी ये कथन हमारा बिल्कुल राइट है। तीसरा कथन देखिए कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, अभी तक यहाँ हमने तीन विषम संख्याओं को जोड़ा था, अब हम तीन विषम संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो बताइए पांच तियाई पंद्रह, क्या कह रहा था कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो देख लीजिए मैंने तीन विषम संख्याओं का गुणा किया और प्राप्त होने वाली संख्या भी हमारी विषम है, यानी यह कथन भी क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम आता है, मतलब अगर किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए तो क्या भागफल हमेशा ही क्या आएगा, विषम आएगा। तो पहले आइए दिखा देते हैं, एक ये है, ये दो सम संख्या, इसको दो से भाग देंगे तो देखिए एक आ गया, चार इसे भाग दीजिए, किसी भी सम संख्या को देना था ना, यदि किसी सम संख्या को दो से भाग दिया जाए, हाँ आठ। तो ध्यान रहे बच्चों कि किसी भी सम संख्या को अगर आप दो से भाग दोगे तो प्राप्त होने वाली संख्या भी हमारी क्या होगी, सम होगी, क्या होगी, सम होगी। तो हमसे कह रहा था क्या सदैव भागफल विषम प्राप्त होगा, नहीं, ये गलत है बच्चों, क्योंकि दो से दो में भाग शायद अभी यहाँ ये नहीं होगा, बाकी सम थी, दो भी एक सम ही संख्या थी, ठीक है, बाकी दो को छोड़कर आप चाहे जो सम संख्या ले लो, तो वो जो मैंने लिख दिया थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई, मैं अभी आपको यहाँ समझाना नहीं चाहते, आप लोग भी कंफ्यूज हो से छोड़िए, बाकी हम लीजिए, ठीक है। और आप कोई भी संख्या सम संख्या में दो से भाग लो तो संख्या हमेशा विषम प्राप्त होगी, क्वेश्चन में आपसे विषम कह दिया था, इसलिए यह कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, कह रहा है क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ना ना ना, गलत गलत, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है और वह एक सम संख्या है, क्या है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती, इस बात का आप ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सत्य है कि ज्यादातर अभाज्य संख्याएं विषम ही होती है, लेकिन सभी नहीं होती है, क्योंकि अपवाद के रूप में आप दो को ही ले लीजिए, दो अभाज्य है लेकिन ये विषम नहीं, सम है, तो यह कथन हमारा क्या है, गलत है। सभी कहेंगे यहाँ बहुत बड़ी गलती की, अगर कुछ और बोला होता तो शायद उत्तर सही भी हो जाता। उसके बाद का क्वेश्चन कि अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता है, कह रहा है कि क्या अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता, ऐसे समझिए अगर मैं कोई अभाज्य संख्या लूं, गुणनखंड मीन्स कि दी हुई संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी, और पांच भी एक अभाज्य संख्या है, एक और पांच, सात भी एक अभाज्य संख्या, आप पाओगे उसका गुणनखंड होता है, एक तो एक होता है, दूसरा वो खुद ही होता है, तो ये गलत है कि उसका कोई भी गुणनखंड नहीं होता, होता है भाई, एक तो एक होता है, एक तो वो खुद संख्या हो जाती, तो यह कथन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, सम होता है, ये गलत है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम नहीं होता है। हाँ, कुछ का हो जाता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा, दो भी अभाज्य है, पांच भी अभाज्य है, जोड़ा गया सात। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता अभाज्य संख्या, तो शायद मैंने कल बताया था कि जो संख्या एक से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य से ना कटे, एक से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य से ना कटे, उसी ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
और भाज्य संख्या जो संख्या एक से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य से भी कट जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा, तो यानी यह कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें कह रहा था कि क्या दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है? नहीं, किसी किसी कंडीशन में विषम भी आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फोकस करिए। कह रहा है कि केवल दो ही एक सम अभाज्य है। बिल्कुल राइट, कि केवल दो ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है, बाकी और कोई ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम होती होगी। ठीक है, इस बात को तो नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि दो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। यहाँ कह रहा है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं सब सम होती हैं। ना 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 ना, कैसे देखिए, नौ एक भाज्य संख्या है लेकिन यह सम नहीं है। उसके बाद पंद्रह एक भाज्य संख्या है लेकिन यह सम नहीं। भाज्य किसे कहेंगे? एक से कट जाए, एक से कटे कॉमा खुद से कटे, एक से कटे खुद से कटे, किसी अन्य से भी कट जाए, किसी अन्य से भी कट जाए, उसे ही हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए जो 9 और 15 दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं लेकिन दोनों सम नहीं है, तो यह कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। उसके बाद कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। कह रहा है कि अगर आप दो सम संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए तो क्या वो हमेशा सम आएगा? हाँ बच्चों, ये कथन सही है। कैसे? देखिए मैं दो सम संख्या लेती हूँ, उसका गुणा करती हूँ। देखिए 4 × 8, 6 × 4 = 24 और 8 × 2 = 16। देख लीजिए सब क्या है, सम है, और गुणा कराई हुई संख्याएं भी क्या है, सम है। तो यह कथन क्या हो गया, सत्य। तो दूसरा प्रश्न हमारा खत्म। आइए तीसरे की ओर। कह रहा है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि 13 और 31 एक से कटेंगी, खुद से भी कटेंगी लेकिन किसी अन्य से नहीं कटेंगी। तो संख्या 13 और 31 अभाज्य है। इन दोनों संख्याओं में दो और एक, इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। सही बात है, 13 और 31 दोनों ही अभाज्य पाएंगे। क्या कि दो संख्याएं हैं, दोनों ही दो संख्याओं से बनी हुई है, दोनों में ही क्या है, 3 और 1 से मिलके बनी हुई है। बात सही, यही क्वेश्चन में कह रहा है। 100 तक की संख्याओं में ऐसी अन्य सभी युग्म बताइए। आपको 100 तक की संख्याओं में ऐसे कितने युग्म होंगे जो मतलब कि दोनों ही अंक समान रहे, साथ ही साथ अभाज्य भी रहे, ऐसी कितनी संख्याएं होगी, ये बात हमसे पूछ रहा था। तो देखिए 1 17 = 71, ठीक है। दूसरा हमारा 37 = 73, ठीक है। तीसरा हमारा 79 = 97, हो गए 3 संख्याएं। देख लीजिए तीनों संख्याएं हैं भले जोड़े, लेकिन 7 1 3 7 7 9 दोनों ही बनी हुई है और सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है। बच्चों इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कोई सूत्र वगैरह नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको अभाज्य संख्या की डिफिनेशन पता है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी अन्य से ना कटे, तभी आप इसको कर सकते हो। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिख लेना, उसी में ढूंढ सकते हो। 25 अभाज्य संख्याएं होती है 1 से 100। अगला क्वेश्चन देखिए कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखिए। मतलब 20 से छोटी रहे, उसमें 20 से छोटी जितनी भी भाज्य होंगी और अभाज्य होंगी सबको अलग अलग लिखिए। तो चलिए भाज्य इधर, अभाज्य इधर लिख देंगे और भाज्य इधर लिख देंगे। तो यहां से शुरू करते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। चलिए यहाँ 4 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 हो गया, लिख दिया। ऐसे ही हमें लिखना था, लिख दिया, बात खत्म। आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। हमसे कह रहा है कि आप 1 से 10 तक गिनती लिखिए और उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो देखिए ये यही है, 1 से 10 के बीच में केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती है, 2 3 5 7
देखिए दो जो है एक से कटेगा, खुद से कटेगा लेकिन किसी अन्य से लेके नहीं कटेगा, तीन के साथ भी यही कंडीशन, पांच के साथ भी और सात के साथ। तो एक से लेके दस तक के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सात। यानी सात हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, निम्न को दो विषम संख्याएं, निम्न दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब करना क्या है कि कुछ संख्याएं आपको दी है, वो आप उनको दो ऐसी संख्याओं में तोड़िए कि वो विषम भी रहे और अभाज्य भी रहे, ऐसा हमें तोड़ना है। तो चलिए आइए एकाध करके आपको बताते हैं तो शायद समझ में आए। ठीक है, देखिए जैसे कि पहला 44 दिया हुआ है, दूसरा हमारा 36 है, फिर हमारा 24 है और फिर हमारा 18 है। हमें इन चारों संख्याओं को ऐसा तोड़ना है कि विषम संख्या भी रहे और अभाज्य भी रहे। तो देखिए 41 एक, अब देखिए ये दोनों ही विषम है और दोनों ही अभाज्य है, हल करोगे तो फिर 44 ही आ जाएगा। ऐसे हमें इसको भी बनाना है, ऐसे हमें इसको भी बनाना है। तो कैसे जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ेंगे? 36 लिखा हुआ है, अगर देखा जाए तो 31, 31 क्या है? अभाज्य है और विषम भी है और पांच भी हो जाएगा। और ऐसे 24 में भी ढूंढिए, किसमें ढूंढिए? 24 के अगर देखा जाए तो 23 है, क्या है? 23। 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, लेकिन एक अभाज्य नहीं है, एक विषम तो है लेकिन एक अभाज्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं 17 ले लूं, क्या ले लूं? 17 ले लूं तो कितना बचेगा? 17 तीन उधर बच जाएगा, 4 3 7। हाँ देखिए 17 7 दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों ही क्या है? विषम है। ठीक है, अब ऐसे 18 को तोड़िए, 18 को अगर देखा जाए तो 17 एक नहीं कर सकते, 13 5 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 13 5। 13 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और दोनों ही विषम है। ऐसे ही आपको तोड़ना था, थोड़ा सा इसको दिमाग का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए बच्चों इन सब चीजों के लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, जब होता तो बता दिया जाता। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याओं के ऐसे तीन युग्म लिखिए जिनका अंतर दो हो। कह रहा है कि अभाज्य संख्या के ऐसे तीन युग्म लिखो जिसका अंतर दो आए, मतलब तीन जोड़े बनाने हैं जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर दो रहे। साथ ही साथ एक टिप्पणी भी दिया है आपको कि दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर वो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो हो उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसी तीन युग्म बताना है जिनके बीच का अंतर दो आए। क्या है? दो। तो जरा सोचिए, 3 और 5 अंतर क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। 5 और 7 अंतर क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। 11 और 13 अंतर क्या आ जाएगा? दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? दो आ जाएगा। देखो 2 और 3 लेते तो एक ही आता, थोड़ा सा आगे बढ़ते तो 3 और 5 मिलता, 5 7 11 13 तीन युग्म लिखने थे, लिख दिया और पूछा होता तो और लिखा जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, 23 51 37 26 में बताना है कि कौन सी संख्याएं अभाज्य है। तो 51 भाज्य संख्या है, 3 से कट जाता है, 17 से भी कट जाता है और 26 भी भाज्य है। बची हमारी 23 और 57 क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी राइट आंसर हमारा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कह रहा है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य संख्याएं लिखिए। मतलब आप 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को लिखिए, मतलब ऐसी भाज्य संख्याओं, ठीक है, ऐसी भाज्य संख्याओं की लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य ना आए, जिनके बीच कोई अभाज्य ना आए। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर अभाज्य संख्याओं को याद करने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, 44 22 32 23 21 ये फार्मूला होता है। अगर हम 1 से 10 तक करेंगे बच्चों तो उसमें 4 अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो हमें लिखना तो 7 है, कितनी संख्याएं लिखनी है? 7 संख्याएं। यानी इसको 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 अगर आप देखिए, इसका मतलब 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं, 10 से 20 के बीच में भी 4, 20 से 30 के बीच में 2 और 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3,
50 से 60 के बीच में दो, 60 से 70 के बीच में दो, 70 से 80 के बीच में तीन, और 80 से 90 के बीच में दो, और 90 से 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? एक। जानते हो 90 से 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या, वो भी 97 होती है। क्या होती है? 97। तो हम लिख सकते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, गिन लो सात संख्या हो गई, क्रमागत भी हो गई। क्रमागत का मतलब होता है कि बीच में, मतलब क्रमागत का मतलब लगातार होता है। क्या होता है? एक सीक्वेंस होना चाहिए। देख लीजिए, 91, 92, 93, 94, 95, 96 अभाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन आप देखो, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को तीन अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। कुछ संख्याएं आपको दे रखी है, उनको कह रहा है कि उनको आप तीन अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखो। जैसे 21 दिया है, इसको ऐसे बनाओ कि ये तीन अभाज्य संख्या आ जाए। कैसे बनाएंगे? गुणनखंड करो, 2 × 7 = 21, 7 × 21 यानी एक दो तो संख्या में मिल गई, एक साथ मिल गया, एक तीन, दो भी तो मिल गया। देखिए दो भी अभाज्य है, लेकिन हमको प्लस करना है। क्या करना है बच्चों? प्लस करना है ना, ये तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। गुणनखंड अगर गुणा करने के लिए बोला होता तभी, जैसे मैं कर रही थी ये राइट, लेकिन हमें प्लस करना है। तो अपने से सोचो, एक साथ ले लो, अगर मैं एक साथ 3 × 10 ले लूं और उसके बाद 11 ले लूं, आ जाएगा 21, है ना। दूसरी संख्या हमारी 31 है, 31 है, इसको क्या कर सकते हैं? 3 कर लो, 11 कर लो और 17 कर लो, जोड़ लोगे तो आ जाएगा 31। 7 × 7 = 8, 8 × 3 = 11, 3 आ जाएगा। उसके बाद संख्या हमारी 53 है, संख्या हमारी क्या है? 53 है। इसको भी हमें बनाना है कि ऐसी संख्या में तोड़िए कि इसमें तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ने से 53 आ जाए। कितनी अभाज्य संख्याओं को? तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ने से 53 आ जाए। तो चलिए 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, अगर दो संख्या पता है 13 और 17 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ जरा हमें भाई? 13 और 17 को जोड़ोगे तो 30 आ गए, यानी अगली संख्या अपने आप 23 बता सकते हो, है ना। उसके बाद 61 का हमसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? 61 का पूछ रहा है। ऐसे ही हमें इसकी तीन अभाज्य संख्याएं बतानी है, तो कैसे बताओगे? अगर मैं इसका 1 19 कर दूं, 1 31 कर दूं, क्या कर दूं? 1 19 कर दूं, 1 31। अपने मन से आप दो अभाज्य संख्या लिख लो, अपने मन से दो अभाज्य संख्या लिख लो, और उसके बाद उन दोनों को जोड़ के घटा देना। क्या कर देना? दोनों को जोड़ के घटा देना। अगर अभाज्य आ रहेगी तो उसी को सही कर देना, नहीं आ रहेगी तो अगली अभाज्य संख्याओं को ढूंढना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 19 और 31, मैं जोड़ूंगी इसे तो यहाँ 9 × 10 = 5, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50। घटा दूंगी तो आ जाएगी 11, यानी सही बना था। अपने मन से आप दो अभाज्य संख्या लिख लेना, सभी संख्याओं के लिए अपने मन से दो अभाज्य संख्याओं को लिख लो और उसके बाद दोनों को जोड़ के घटा देना। अगर अभाज्य आ जाए तो ठीक, नहीं दूसरी दो अभाज्य संख्याओं ढूंढो। ये इस हल करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी बच्चों वो तो आपके बार बार प्रैक्टिस करने पे ही आएगा, कोई भी चीज एक बार में नहीं आप सीख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। मतलब आप 20 से छोटी ऐसी 5 संख्याओं का युग्म लिखो जिसका योग 5 से विभाज्य हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, हम लोग 1 से शुरू करते हैं। 1 में अगर मैं, ध्यान रहे कि संख्या अभाज्य होनी चाहिए, अभाज्य। अगर मैं 1 में 4 जोड़ दूं, 5 तो आ जाएगा लेकिन ये अभाज्य हो जाएगी, तो ये गलत। यानी मैं 2 और 3 जोड़ूं तो देखिए ये दोनों संख्याएं अभाज्य भी हैं और आ गया 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा क्या करिए, और आगे बढ़िए और सोचिए। ध्यान रहे रख के सोचना कि जो दो संख्याएं हम ले रहे हैं दोनों अभाज्य होनी चाहिए, बिकॉज आपके क्वेश्चन में बोल रखा है कि अभाज्य संख्या, क्या बोला है? अभाज्य संख्या, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी अगर मैं सोचूं तो 1 हम ले लेते हैं 7, दूसरी 9, 7 नहीं आएगा। अगर मैं 13 ले लूं तो आ जाएगा 20, 5 से कट जाएगा, 20 से छोटी बतानी है तो 20 है, कोई दिक्कत। आप दूसरी 13 + 7 कर दो फिर भी तो आएगा, हो सकता है, क्या ही हो सकता है ना, आगे पीछे कर सकते हैं।
उसके बाद क्या कर सकते हैं, हाँ 2 + 13 कर दो, 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, कर सकते हो, कुछ आ रहा है समझ में? आपके क्वेश्चन में कुछ यूं ही बोला था कि आप ऐसी दो संख्याओं को लो जिनको जोड़ दो तो 5 से विभक्त होने वाली संख्या आ जाए। तो हमने लिया, देखा, और अभी हमें एक लिखना है, 5 लिखना था, तो हम यहाँ 5 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, जोड़ दो तो 10 आ जाएगा, ये 5 संख्याएं हो गई ऐसे। और भी एक आध लिख सकते हैं हम, जैसे कि अगर 9 में क्या जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, और 6 जुड़ाएगा 15 आएगा, अगर 9 में हम 11 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 9 में अगर हम 11 जोड़ दें। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते, आप कहोगे आप तो पलट दिए ऐसे, हम इसे भी पलट सकते, इसे मत लिखो, यहाँ लिख लो 9 + 11 = 20 लिख लो, क्या लिख लो, 20, अब तो सही है दो, लेकिन कहाँ भाई कहाँ, ये तो क्या हो जाएगी, ये तो भाज्य संख्या हो गई, गड़बड़ा गया ना, हमें अभाज्य लिखना है और दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अगले 20 तक तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, चलिए इसको जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, और इसको जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, इसको लिखा था कहीं उसको लिखा था 13 और 17, 20 कहाँ आएगा भाई, जोड़ दोगे तो ज्यादा चला जाएगा, केवल हमें ऐसा जोड़ो कि 5 से विभक्त होने वाली संख्या वो भी 20 के इधर ही रहे। तो 11 में क्या जोड़ दें, कुछ नहीं जोड़ सकते, 5 5 को जोड़ सकते हैं, और अगर हम 11 में 9 को नहीं जोड़ सकते, 13 में क्या जोड़े, 13 में 2 जोड़ दीजिए, कहीं लिखा है, ये देखिए लिखा हुआ है, 13 में जोड़ 2 जोड़ दीजिए, 17 में 3 जोड़ दीजिए, कहीं लिखा है 17 में 3 नहीं लिखा है, 17 में 3 लिख लीजिए, इसको हटाइए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको हटाइए और लिखिए 17 में 3, 17 + 3 हो जाएंगे 20, और दोनों ही संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य। ऐसे आप अपने से बना सकते हो। बच्चों इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन जिसको हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, चलिए आइए उसे भी फटाक से देख लेंगे, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, चलिए जल्दी से मिटाते हैं और जल्दी से उसे देखेंगे। आई होप ये अभाज्य संख्या पर टिक याद कर लिया होगा आप लोगों ने। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, पहला क्वेश्चन की वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। मैंने बताया था कि आभास संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक वो खुद, तो किन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य। तो पहले रिक्त स्थान में अभाज्य भर दो, फिर उसके बाद कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड अक्सर भाज्य संख्याओं के होते हैं, जैसे 4, 1 होगा, 2 होगा, 4 खुद होगा, देख लो 2 से अधिक हो गया ना, क्योंकि यह संख्या क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य है। तो पहले में आंसर भरना अभाज्य, दूसरे में आंसर भर दो भाज्य, उसके बाद देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ना तो है और ना ही है, एक ना तो डैश डैश है और एक ना ही डैश डैश, मतलब एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक को ना तो भाज्य में गिनती की जाती है पहले डैश डैश में, दूसरे डैश डैश में, ना ही उसे भाज्य में लिया जाता है। जैसे वायरस जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, उसे किसी जगत में स्थान नहीं मिला, वैसे एक है, ना ये अभाज्य है ना ही ये भाज्य है। उसके बाद का क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश डैश है, बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। उसके बाद का क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है। उसके बाद का क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। 0 क्यों नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है, क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये प्रश्नावली भी आप लोग को भली भांति समझ आ गई होगी, अगर समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बहुत कुछ देखने के लिए, लाइव क्लासेस लेने के लिए, इसी तरह एंजॉय करके पढ़ेंगे, बहुत मजा करेंगे। बच्चों देखिए शायद हाँ कुछ चीजें मुझसे छूट गई होंगी, मुझे शायद पहले आप लोग को भाज्य अभाज्य बताना चाहिए, लेकिन मैंने बीच में बताया था,
अगर बच्चे पूरा वीडियो इंड तक देख रहे हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आप किसी का भी देख लो इंड तक सीख जाओगे, लेकिन आप लोग शुरू में ही भाग जाते हो तो कोई क्या कर सकता है ना। चलिए फिर आई होप समझ गए होगे। बाकी मैंने आधी ज्यादा चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है, जाके मेरे वीडियोस देख लेना, ना मिले तो डिलीट कर देना। क्या डिलीट कर दोगे, कुछ नहीं कर सकते, मतलब डिसलाइक कर देना, जो इच्छा वो कर देना, फीडबैक में कुछ उड़ा लिख देना, लेकिन अगर मैंने ना बताया हो तो ठीक है, जाके जेएनवी की मैथ की क्लासेस लीजिए, देखिए सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्लास सिक्स की ही चीजें उसमें भी पढ़ाई हुई है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और चीजों को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।